एक लेटर बॉक्स जिसमें रखा हुआ एक क्रिसमस कार्ड, जिससे उन दो लोगों की सफ़र की शुरुआत होती है जो एक ही जगह से तो है लेकिन एक ही समय से नहीं। उनके बीच 2 सालों का फासला है। क्या दोनों कभी मिल पाएंगे? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी स्ट्राइप। दोस्तों, आज की कोरियन मूवी का नाम है सीवोरे। मूवी के डायरेक्टर है हियोंग सी ली और आईएमडीबी रेटिंग 7.5 है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, कहानी को एंजॉय कीजिए और हमारे एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे लगते हैं तो आगे पढ़ने से पहले दोस्तों प्लीज़ पक्का से सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और ऐसे ही नए वीडियो से आप सभी को एंटरटेन करते रहें। क्रिसमस आने वाली है। किम अपने अपार्टमेंट आइल मारे, जो समंदर के किनारे बसा है, छोड़कर शहर में एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होने जा रही। किम एक स्ट्रगलिंग वॉइस ओवर आर्टिस्ट होती है और उसका नया अपार्टमेंट ऑफिस के पास ही है। जाने से पहले वो एक क्रिसमस कार्ड लेटर बॉक्स में डालकर जाती है। कुछ समय बाद एक नया किराएदार हान उस अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है। हान एक आर्किटेक्ट है और पास ही के ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट पे पोस्टेड है। वो इस घर के डिज़ाइन से बेहद प्रभावित होता है और इस घर का नाम आयल मारे रखता है, यानी समंदर। क्रिसमस की सजावट करते वक्त पास खड़े लेटर बॉक्स को देखकर हान को ख्याल आता है शायद किसी का क्रिसमस विश आया हो, और लेटर बॉक्स खोलने पे उसे किम का वही क्रिसमस कार्ड मिलता है जिसमें लिखा है, मैं आपसे पहले यहाँ रहा करती थी, आपसे एक गुजारिश है, मुझे एक खत का इंतज़ार है, अगर मेरे नाम कोई खत आए तो नीचे लिखे इस पते पर भेज दें। हाँ, एक और बात, दरवाजे के पास जो डॉग फुटप्रिंट के निशान हैं वो मेरे आने के पहले से ही था। मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर, किम, 21 दिसंबर 1999। कार्ड पढ़ने के बाद हान को ये किसी का मजाक लगा क्योंकि ये साल तो 1997 है और ना ही दरवाजे पे कोई डॉग के फुटप्रिंट है। किम को देखकर ऐसा लग रहा कि उसे किसी के जवाब का बेसब्री से इंतज़ार है। वो बार बार अपने कॉल हिस्ट्री चेक करती रहती है और ना ही नए किराएदार की तरफ से कोई जवाब आया, इसीलिए वो अक्सर घूमते हुए अपने पुराने ठिकाने चली जाया करती, पर हर बार उसे लेटर बॉक्स खाली ही मिलता। यहाँ हान पास ही के एक दुकान पर जाता है और उनसे पूछा, क्या उसे पहले भी कोई इस घर पर रहा है? दुकानदार कहता है, नहीं, वो ही पहला ओनर है इस घर का। वापस आते समय एक पपी उसके पीछे पीछे उसके घर के दरवाजे तक आ गया। अगली सुबह भी वो पपी वही बैठा हुआ मिला तो उसने उसे अपने पास रख लिया। उस दिन उसके कुछ दोस्त मिलने आए और वो उस पे इस तरह से लास्ट ईयर कॉलेज ड्रॉप आउट करने पे गुस्सा करते हैं। दरअसल अपने डैड से अनबन की वजह से उसने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और यहाँ चला आया। एक दिन वो छोटा सा पपी हाउस बना रहा होता है और पेंट करते वक्त डब्बा नीचे गिर गया। पपी उसी पेंट के ऊपर दौड़ता हुआ घर के अंदर चला गया। जब हान उसे रोकता हुआ पीछे पीछे घर में दाखिल हुआ तो उसे दरवाजे के पास बने फुटप्रिंट्स दिखते हैं। एकाएक उसे उस क्रिसमस कार्ड की याद आ जाती है और उसे खोलकर दोबारा पढ़ता है। उसे ये कुछ अजीब सा लगा तो उसने एक रिप्लाई भेजने का सोचा। किम एक बार फिर उस घर के सामने होती है। खाली लेटर बॉक्स चेक करने के बाद अब वो पास के दुकान पे जाकर पूछती है कि उस घर में कोई आया। दुकानदार कहता है, अभी तक तो नहीं। फिर वो उनसे घर का चाबी मांगकर अंदर जाती है। सच में उसके जाने के बाद कोई नहीं आया। अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने के बाद उसने एक और बार लेटर बॉक्स खोलकर देखा और इस बार वहाँ उसके नाम का एक खत पड़ा होता है जिसमें लिखा है, मैं इस घर का पहला ओनर हूँ, आपका लेटर शायद गलती से यहाँ आ गया है, आप किसी ज़रूरी खत का इंतज़ार कर रही है, इसीलिए कहना चाहता हूँ एड्रेस फिर ठीक से चेक कर ले। हान, December 28, 1997। और एक बात पूछना चाहता हूँ, आपको कैसे पता चला कि मैं इस घर का नाम आयल मारे रखने वाला हूँ? खत पढ़कर किम को भी अजीब लगा। फिर से वो एक लेटर लिखती है कि मुझे नहीं पता मेरा कार्ड गलत पते पर कैसे पहुँचा, पर आपने अपना साल 1997 क्यों लिखा है? अगर ये कोई मजाक है तो प्लीज़ मुझे जिस ज़रूरी खत का इंतज़ार है उसके साथ कोई छेड़खानी ना करे। किम, 29 दिसंबर 1999। आज 31 दिसंबर 1999 है। टाइम स्पेंड करने के लिए किम अपने दोस्त के कॉमिक स्टोर की देखभाल करती है।
इधर हान को जब दोबारा खत मिला तो वो परेशान होकर लिखता है, आपका खत बार बार मेरे पते पे आकर मुझे परेशान कर रहा है। हान, 1 जनवरी 1998। न्यू ईयर के कुछ दिन बाद किम के यहाँ हैवी स्नोफॉल हुई। फिर उसे याद आया कि 1998 के न्यू ईयर के वक्त भी इसी तरह हैवी स्नोफॉल हुई थी, जिससे एक वायरल फीवर उस समय काफ़ी फैला था। अब की बार किम ने खत पे लिखा, अगर तुम सच में 1998 से हो तो 8 जनवरी की रात बहुत स्नोफॉल होगी, जिससे वायरल फीवर फैलेगा। हान उस दिन जब काम से वापस आया तो अचानक स्नोफॉल होने लगी, जबकि वेदर डिपार्टमेंट से ऐसी कोई सूचना नहीं मिली थी और उसे भी फीवर हो गया। ये सारी चीज़ें हान के मन में एक जिज्ञासा पैदा करने लगी और उसने एक और बार खत लिखा, जिसमें वो पूछता है कि क्या तुम सच में फ्यूचर से हो या भविष्य बताती हो, तुम्हें कैसे पता चला कि स्नोफॉल के साथ नया वायरस भी आएगा। उसके बाद हान खत में किम के लिखे पते पर भी जाता है। वहाँ रेसिडेंशियल बिल्डिंग सच में होती है, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन। अब दोनों को ही यकीन हो गया कि दोनों अलग अलग समय से हैं। इसके बाद दोनों में खत लिखने का सिलसिला शुरू हो गया। हान खत में पप्पी का जिक्र करता है कि उसका नाम क्या होगा। किम लिखती है, वो दरअसल तुम्हारा ही पप्पी है और उसका नाम कोला है, पर पता नहीं तुम क्यों उसे छोड़कर चले आए। पर कोला दोनों जगह पे एक साथ, ये कैसे हो सकता है? क्या समय में कोई ऐसा सुराख या दरार है जिससे ये सब कुछ मुमकिन हो पा रहा है? बहुत सोचने पे उन्हें समझ आया कि वो सुराख घर के पास बना हुआ वो लेटर बॉक्स है। एक दिन किम के नए अपार्टमेंट के मेल बॉक्स पे एक खत पड़ा होता है, जो गलत पता लिखा होने की वजह से उसी को वापस भेज दिया गया। दरअसल ये खत उसने अपने बॉयफ्रेंड जीहू को भेजा था। जीहू एक प्रोजेक्ट के लिए शिकागो जाने वाला था और जाने से पहले उसने किम को भी अपने साथ चलने को कहा था, पर अपना करियर बनाने के लिए वो यहीं रुक गई और अपना पुराना अपार्टमेंट छोड़कर शहर आ गई। जीहू के खत मिलने की आशा में ही उसने उस दिन लेटर बॉक्स में वो क्रिसमस कार्ड छोड़ा था, पर उसका खत तो जीहू के पास पहुंचा ही नहीं। इसीलिए फिर उसने जीहू को फ़ोन करने का सोचा, पर फ़ोन उसकी नई गर्लफ्रेंड उठाती है। उसे तब और ज़्यादा यकीन हो गया जब उसने जीहू की आवाज़ सुनी। उसने तुरंत फ़ोन रख दिया। उसके दिल के टूटने की आवाज़ उसकी खामोशी में साफ सुनाई दी। किससे वो अपने टूटे दिल का हाल बयां करती। उसकी दोस्त उसे स्ट्रांग रहने को कहती है, पर वो भी अपने कॉमिक स्टोर में बिजी है। फिर हान से उसने अपने दिल की बातें शेयर की। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। हान ने भी उससे अपने कड़वे सच शेयर किए, कैसे उसके माँ के गुजर जाने के बाद उसके डैड उसे छोड़कर चले गए और तब वो सिर्फ 7 साल का था। तब से उसके डैड से उसकी कभी नहीं बनी। अब वॉइस ओवर रिहर्सल करते समय अचानक किम को याद आया कि 1998 में जब उसने वॉइस ट्रेनिंग ज्वाइन किया था और एक दिन उसका रिकॉर्डर स्टेशन के बेंच पर छूट गया था। डायरी पे चेक करने पे पता चला कि वो दिन 11 फरवरी था। किम को पहले कुछ सूझा, फिर उसने हान को खत लिखा कि 11 फरवरी स्टेशन जाकर मुझे वो रिकॉर्डर क्या वापस दे सकते हो। हान को ज़्यादा यकीन तो नहीं कि ऐसा मुमकिन होगा, पर फिर भी वो जाता है। लास्ट बेंच पे उसे एक लड़की दौड़कर ट्रेन पे चढ़ते हुए दिखी, जिसका रिकॉर्डर बेंच पे ही पड़ा है। उसे रिकॉर्डर देने से पहले ही ट्रेन स्टेशन छोड़ देती है। अब हान उसी लेटर बॉक्स में रिकॉर्डर को रख देता है। जैसे किम तक खत पहुँचते हैं, शायद ये रिकॉर्डर भी पहुँच जाए। किम को वो रिकॉर्डर मिल जाता है, जिसे पाकर वो बहुत खुश हो गई। अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग सुनते सुनते उसे हान की आवाज़ भी सुनाई दी। उसकी आवाज़ सुनकर उसे अच्छा लगा। अब हान को उसके दोस्त से पता चलता है कि उसके डैड को हार्ट अटैक आया है और वो हॉस्पिटलाइज्ड है। हान से मिलना चाहते हैं। हान के डैड एक बहुत कामयाब आर्किटेक्ट है। उसने किम को कहा कि वो चेक करके बताए उसके डैड ठीक है या नहीं। किम को हान के डैड की ऑटोबायोग्राफी मिली, जिस पे उनकी डेथ ईयर 1998 लिखी होती है, मतलब अभी हान जिस ईयर में है। वो तभी उसे ये खबर पहुंचाने निकली, पर रास्ते में ही उसका रोड एक्सीडेंट हो जाता है। कोई रिप्लाई ना मिलने पे हान अपने डैड से मिलने नहीं गया। बहुत देर हो गई, उसके डैड गुजर जाते हैं। काफ़ी दिनों बाद किम का जवाब उसी बायोग्राफी किताब के साथ आया। शायद उनकी ये किताब तुम्हें उन्हें समझने में मदद कर सके। ये किताब उसके डैड ने अपने बेटे को डेडिकेट की थी। हान पूरी ज़िंदगी उन्हें रुसवा करके खुद को ज़ख्म देता रहा, लेकिन इस किताब ने उसके दिल को उसके डैड के लिए साफ़ कर दिया।
और उसने उनके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन आखिरी वक्त में ना मिल पाने का गिला उसे रह गया। उसकी किताब में उसी घर की तस्वीर भी है जहाँ वो रह रहा है, यानी ये घर उसके डैड नहीं उसके लिए डिज़ाइन की थी। और फिर वो दोबारा से अपनी पढ़ाई पूरी करने का फैसला करता है। दोनों के बीच खतों का सिलसिला और बढ़ गया। एक दिन हान ने सोचा क्यों ना किम से जाकर स्टेशन पे मिलूं। एक ही बेंच पे किम और हान दोनों बैठे हैं, लेकिन किम अपने पास्ट में हान को नहीं जानती। हान उससे वो सारी बातें करना चाहता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। दोनों आमने सामने तो नहीं मिल सकते, इसीलिए अपने टाइम में ही रहकर एक दूसरे के साथ डेट पर जाने का प्लान बनाते हैं। पहले किम की बारी। उसने हान को एक पार्क जाने को कहा और फिर वहाँ एक बड़ी बियर की बोतल पीने के बाद उस राइड में चढ़ने को कहा जो किम का फेवरेट है। हान ये डेट बहुत इंजॉय करता है। अब हान ने किम को उसी पार्क से बस लेकर एक स्टॉप पे उतरने को कहा जहाँ सड़क के दोनों तरफ पेड़ हैं। वहाँ एक लंबी वॉक के बाद जैसे ही तुम्हें थकान होने लगे मोड़ पर एक बार मिलेगी, वहाँ एक वाइन की बॉटल ऑर्डर करना। उसने वैसा ही किया और जब उसने वो वाइन का बॉटल लिया तो उसमें हान का छोड़ा हुआ एक नोट होता है। वो कहता है वाइन जितनी पुरानी हो उतनी ही अच्छी होती है। दोनों के बीच 2 साल की दूरी है, पर ऐसा लग रहा है कि दोनों एक साथ चल रहे हैं। कुछ दिनों बाद अब दोनों सच में मिलने का फैसला करते हैं और मिलने की जगह कोरल बीच तय होती है। किम का ये सपना है कि उसका वहाँ एक घर हो। यहाँ हान भी फ्यूचर के लिए उस डेट का रिमाइंडर सेट करता है ताकि साल 2000 में उसके फ्यूचर सेल्फ को 2 साल पहले की ये कोरल बीच डेट याद रहे कि उसे किम से मिलने जाना है। तय किए गए डेट के मुताबिक किम सुबह ही निकल जाती है। वहाँ उसने देखा कि उसी बीच पे एक घर बन रहा है। फिर वो बीच के किनारे बैठकर हान का घंटों इंतज़ार करती है। शाम हो गई पर वो नहीं आया। जब हान को पता चला कि वो नहीं आया था उसे बहुत अजीब लगा। मैंने पहली बार किसी के लिए ऐसा कुछ महसूस किया है, ये डेट जो मेरे लिए इतनी अहम थी फिर मैं वहाँ गया क्यों नहीं। किम ने मायूसी भरे लफ्ज़ों में खत का जवाब दिया, शायद तुम भूल गए होगे। 2 साल पहले का वादा किसी को कहाँ याद रहेगा, या तुम्हें कोई और मिल गई होगी। वो ना तो अपने बॉयफ्रेंड को भुला पा रही और ना ही हान से मिल सकती है। एक अजीब सा ही खालीपन बस उसके अंदर है। किम एक कैफेटेरिया में बैठी है तभी उसे वहाँ उसके बॉयफ्रेंड जीहू की आवाज़ सुनाई दी जो अपनी न्यू गर्लफ्रेंड के साथ पीछे ही बैठा है। वो शिकागो से वापस आ चुका है पर उसने उसे बताना ज़रूरी नहीं समझा। दोनों अपने इंगेजमेंट की डेट फिक्स कर रहे होते हैं। किम बहुत रोती है, उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है ये पता होने के बावजूद जब उसने उसकी आवाज़ सुनी तो उसे रहा नहीं गया। वो उसे दोबारा अपने लाइफ में शामिल करना चाहती है। उसने हान को खत लिखा, अगर मैं उसे जाने नहीं देती तो आज वो मेरे साथ होता, ना कि किसी और से उसकी शादी हो रही होती। तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ उसे जाने से रोकने में मेरी मदद करो। हान को ये पढ़कर बहुत तकलीफ़ पहुँचती है। वो उसे प्यार करने लगा था। वो कहते हैं ना, जब तुम्हें प्यार लफ्ज़ के सही मायने समझ आते हैं तब तुम्हें दर्द लफ्ज़ का भी एहसास हो जाता है। वो खुद को रोक नहीं पाया और उसी स्टेशन पे जाता है जहाँ किम अपने बॉयफ्रेंड के हाथों में हाथ डाले बैठी है। हान उसके सामने जाकर खड़ा भी होता है पर वो उसे देखकर भी अनदेखा कर देती है। ट्रेन स्टेशन से निकल गई और वो वहीं खड़ा रह गया। कुछ दिनों बाद उसी कैफेटेरिया में किम की मुलाकात जीहू से हो ही जाती है। वो किम को दोषी ठहराता है, अगर वो उसके साथ शिकागो चलने को तैयार हो जाती तो आज उससे उसकी शादी हो रही होती। किम को अब जीहू से कोई उम्मीद नहीं। उसे ये एहसास हो गया, जिसको जाना होता है उसे कोई नहीं रोक सकता। पर उसने अनजाने में हान की भावनाओं को ठेस पहुँचाई है। फिर हान का खत आया कि वो उसकी मदद करने को तैयार है और उन सारे पलों का शुक्रिया, दोनों हमेशा खुश रहना, अलविदा। किम को उसका खत पढ़कर बहुत बुरा लगता है। वो उससे मिलकर माफ़ी मांगना चाहती है और इसीलिए आर्किटेक्चरल स्कूल जाने का फैसला करती है, इस उम्मीद में कि वहाँ उसे हान मिल जाए। जब वो आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट पहुँची तो उसे दीवार पे उसी घर की पेंटिंग टंगी हुई दिखी जो उस दिन उसने कोरल बीच पर देखा था। वो उस पेंटिंग के सामने खड़ी हो गई। उसे नोटिस कर रहा हान के दोस्त को पता चला कि वो किम है और तब उसने उसे बताया कि ये घर हान
हान ने उसकी याद में डिज़ाइन किया था। ये उसका ड्रीम प्रोजेक्ट था। किम ने हान के बारे में पूछा। 2 साल पहले हान किसी फ्रेंड से मिलने योशिडा कैफ़े जा रहा था और एक हादसे में उसकी जान चली गई। तभी किम को याद आता है कि 2 साल पहले 25 मार्च 1998 उस दिन जीहू के जाने से पहले उसकी योशिडा कैफ़े में लास्ट डेट थी। उसी दिन क्रॉसिंग पे उसकी आंखों के सामने एक एक्सीडेंट हुआ था। वो चेहरा हान का ही। ये याद आते ही वो लेटर बॉक्स की तरफ भागती है। उसे हान को रोकना होगा वहाँ जाने से, किसी भी हाल में रोकना होगा। उसने खत लिखा, लेटर बॉक्स में डाला और यही दुआ कर रही कि ये खत सही समय पे पहुँच जाए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। उसे अब जाकर एहसास हुआ कि वो भी हान से प्यार करने लगी है। उसे तब यही लगा था कि हान उसे भूल गया होगा, तभी वो कोरल बीच पे मिलने नहीं आया, पर वो तो मर चुका था। अब वापस मूवी पहले सीन पे आ जाती है। आज किम घर छोड़कर जाने वाली है। एक क्रिसमस कार्ड पे कुछ लिखकर वो लेटर बॉक्स की तरफ बढ़ी, पर बीच ही में एक अजनबी उससे मिला। उसके पास वही किम का लिखा आखिरी खत है, यानी हान को उसका आखिरी खत मिला था। फ्यूचर के किम ने पास्ट 1998 के हान को बचा लिया। अब एक नई कहानी की यहाँ से शुरुआत होगी। उसने किम को वो खत देते हुए कहा, क्या तुम एक मैजिकल कहानी सुनने के लिए तैयार हो? और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर ले। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।